हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूँ शिवम और आज के व्लॉग में हम हैं मिहाड़ में, रामबन में। और यहाँ पे आज मैं दिखाने वाला हूँ इस व्लॉग में कि कितना वर्क कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो भी फोर लेन का काम लगा हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ कितना कंप्लीट हो चुका है। मेरे ठीक उस साइड आप पेट्रोल पम्प देख सकते, जगत फिलिंग स्टेशन। और यहाँ से लोग वहाँ से यू टर्न मार के आते हैं कोंडी नाले से, जो करोल के पीछे पड़ता है, वहाँ से यू टर्न मार के तेल भरा कर यहीं से वापस चले जाते हैं। और साथ में यहाँ नीचे गैमन का है, गैमन कंपनी तो चलेगी, बाकी उनका ये कुछ छोड़ के चलेगी। ठीक है, तो ये भी दिखा देता हूँ। और ये आप रोड देख सकते हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट है फोर लेन। ऊपर वाली साइड तो कंप्लीट है, नीचे वाले का भी काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है। ठीक है, आगे से बंद है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे से लास्ट में। तो ये देख सकते हैं, और ये हमारे भाई बाइकर्स, ये देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी इनको दीवार देनी पड़ेगी नीचे वाली साइड, बाकी यहाँ भी कंप्लीट है। और नीचे मैं आपको तब थोड़ा सा गैमन कंपनी का दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट रोड कंप्लीट ही है, बस यहाँ से थोड़ी सी इनको दीवार देनी पड़ेगी और यहाँ से थोड़ा सा और रोड खोलना पड़ेगा। तो काफ़ी मेरे भाई यहाँ से धोखा खा जाते हैं, वो सोचते हैं यहाँ वाली साइड खुली है बट आगे से बंद है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये पीछे होटल वगैरह हमारे पालिश आके, तो फ़िलहाल तो अभी इनका काम बंद ही है, धंधा मंदा चल रहा है। और हम आगे चलते हैं, आगे दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ पे बंद है। तो आपको जाना होगा तो आप ऊपर वाली साइड से जा सकते हैं। तो ये धंधा मंदा चल रहा है, और एक मेरा भाई ताला मार के चले गया घर को, क्योंकि यहाँ से रोड आगे बंद है वहाँ पर, तो काम काज तो कुछ है नहीं। तो इसलिए हमदम कश्मीरी मुस्लिम होटल वाला भाई तो अभी छुट्टी कर गया कुछ दिन के लिए। और बाइकर सभी भी लद्दाख जा रहे हैं, इस टाइम भी लद्दाख जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो मैं आगे आपको दिखा देता हूँ कितना काम रह गया है। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा पुल सा बन रहा है, उसका काम लगा है और उसमें ही टाइम लगेगा। बाकी पीछे वो पब्लिक यूज़ के लिए वॉशरूम भी ऑलमोस्ट तैयार ही है, जो कि फोर लेन में मिलेगा आपको। और यहाँ पे थोड़ा सा रहता है इस, बस इस फ्लाईओवर इस पुल का काम है छोटा सा, बाकी ये रोड भी खुल जाएगी, ऊपर वाली साइड नीचे वाली साइड भी खुल जाएगी। बाकी आगे की बात करें रामबन वाले रूट की, तो आगे भी देख सकते हैं दोनों साइड लगभग तैयार ही है, और नीचे वाली साइड भी तैयार है, बट अभी वो भी बंद रखी है। वहाँ पे भी छोटे मोटे बीच में पुल्स बन रहे हैं। बाकी और आगे जो लैंडस्लाइड वाला वो एरिया आता है, वहाँ पे अभी काफ़ी काम करना बाकी है। बाकी यहाँ पे तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, शायद से 15 दिन लग जाएंगे, उसके बाद नीचे वाली साइड भी खुल जाएगी। तो ये रहे यहाँ पे, और लोग रहते हैं तंबू में, आप आके इनकी मदद कर सकते हैं खाना वाना खिला के। इधर हमारे करण भाई फुलके लगा रहे हैं, तंदूरी रोटी। तंदूरी चपाती, तंदूरी चपाती वर्ल्ड फेमस, रामबन की फेमस राजमा राइस एंड दाल मखनी। अभी तो धंधा मंद है, अभी रोड के रोड कटिंग के कारण काम कम है, रामबाग लोग जम हो जा रहे हैं। ये भाई धोखा खा गया, इसको लगा कि आगे रोड ओपन होता है बट आगे रोड बंद है। अब ये पीछे जाएगा काफ़ी, एक डेढ़ किलोमीटर बैक जाना पड़ेगा, वहाँ से इसको यू टर्न मार के आना पड़ेगा फिर से। तो काफ़ी लोग ऐसे ही धोखा खा जाते हैं, सोचते हैं कि रोड बन चुका है बट अभी तक नहीं बना। और इसी के साथ में मेरा एक और भाई, ये भी धोखा खा गया और ये भी इसको पूछ रहा है। तो काफ़ी लोग खज्जल हो रहे हैं अभी यहाँ पर जब तक रोड नहीं बन जाता। तो साथ में एक और भाई, ये भी इनको देख के वापस मुड़ने लगे, धोखे पे धोखा। मेरे भाई वापस जाते हुए, आगे बंद है तो आगे से बेचारे घूम के आते हैं, सब धोखा लग जाता है।
से निकलते हैं, मैं आपको आगे वाले ब्रिज भी दिखा दूंगा। तो यहाँ से रोड बंद है, हमको आगे से जाना पड़ेगा। तो ये आ गया राइट साइड में पेट्रोल पंप। तो जिनको यही, जैसे मैंने पहले बताया, पेट्रोल भराना होगा तो आगे से पूरा घूम के आना पड़ता है। तो मैं आपको सबसे पहले जो कोंडी नाला वाला जहाँ पे वो ब्रिज बन रहा है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे रोड काफ़ी ख़राब है क्योंकि अभी काम चल रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सामने, यहाँ से घूमना पड़ता है। ये भी काफ़ी हद तक तैयार है रोड, थोड़ा सा काम बाकी। और ये आप देख सकते हैं पुल जिसकी मैं बात कर रहा था, ऊपर वाली साइड वाला तैयार है, बट नीचे वाला भी काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, ये भी जल्दी ही तैयार हो जाएगा। तो और बाकी आप साइड वाली रोड देख सकते हैं, नीचे ऊपर दोनों साइड तैयार हो चुकी है, पूरी अच्छे से तैयार है, अच्छे से कटिंग हो गई है। और ऊपर तो अभी थोड़ी सी लुक भी डाल दी है डस्ट वगैरह से बचने के लिए। तो यहाँ पे वाइन शॉप भी है राइट साइड में, अगर किसी को जाना होगा तो जा सकता है। और आगे आपको रोड देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम हो चुका है। और ये करोल में जो छोटा सा पुल बन रहा है, छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है, तो मंदिर के साथ से, तो अभी इसका भी काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और ये ऊपर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का रोड आ जाता है, और यहाँ पे भी कटिंग हो चुकी है, और यहाँ पे भी रोड कंप्लीट ही है लगभग। देखो ना, पूरी कटिंग हो चुकी है, कटिंग के साथ में दीवार भी दे दी है इन्हें। तो यहाँ पे भी काफ़ी तेज़ी से काम हुआ है, रोड कंप्लीट ही ऑलमोस्ट। तो ये करोल वाला ब्रिज आप देख सकते हैं, इसका ये तो बड़ी पहले से काम लगा है, बट अभी पीछे जाके इसका काम भी थोड़ा सा तेज़ हुआ है। तो राइट साइड में गोल सिंगलदान वाला रोड मैत्रे से होकर जाता है जो, और आप ये देख सकते हैं अब हम चंद्रकूट की साइड जा रहे हैं, और यहाँ पे भी कटिंग हो चुकी है। आप देख सकते हैं पीछे कितना रोड खुला कर दिया है, ऑलमोस्ट कटिंग हो चुकी है। खाली यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है, लैंडस्लाइड आई है थोड़ी सी, और यहाँ पे ये आती रहती है, तो जब तक ये बार बार ऊपर से पस्सी चलती रहेगी तो यही दिक्कत करेगी। बाकी ऊपर से आप देख सकते हैं, ऊपर से रोड कटिंग ऑलमोस्ट लगभग हो ही चुकी है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आगे भी कटिंग हो चुकी है, खाली बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पोर्शन रहता है। और ये मस्जिद थोड़ा सा रोड लेफ्ट साइड से जा रहा है और थोड़ा राइट साइड से जा रहा है, तो ये बीच में मस्जिद है, ये भी काफ़ी प्यारी लग रही है। और ये आ जाता है चंद्रकोट नाका, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड जो है ऊपर से ही जाता है और मार्केट में से नहीं जा रहा है, ये मार्केट के पीछे से ही जो ऊपर वाली साइड से आप रोड देख रहे हैं, ऊपर से कटिंग हो चुकी है मैक्सिमम, खाली बीच बीच में थोड़ा पोर्शन रहता है वहाँ पे रहती है, ठीक है। तो बाकी अब मार्केट में से हम जा रहे हैं, वहाँ से फोर लेन का काम नहीं है, पीछे से ही काम लगा है मार्केट के पूरे, आप मशीन भी देख सकते हैं। तो ये है चंद्रकोट, काफ़ी प्यारा लग रहा है। और ऐसी भी और वीडियोज़ देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।